अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की मेरी वीडियो खासकर सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, वो मर्द जो मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, ये उनके लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको वैसे डाउनलोड करके रख लीजिए और बाद में देखिएगा। वो लोग जो ये समझते हैं कि अब उनके अंदर वो जोर वो ताकत नहीं रही, और जो बचपन में गलत कार्यां करते रहे हैं, ये वीडियो खासकर उनके लिए बनाई जा रही है। कुछ दिनों से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई मर्दाना कमज़ोरी के बारे में कोई ख़ास चीज़ बता दें, तो आज आपके लिए एक बहुत मुजर्रब बहुत ज़बरदस्त एक नुस्खा एक इलाज लेके आया हूँ। इंशाल्लाह ताला आप 15 दिन जब इसका मुसलसल इस्तेमाल कर लेंगे तो जिस्म में से हर तरह की कमज़ोरी दूर हो जाएगी, पट्ठों को ताकत मिलेगी, चाको चुबंद हो जाएंगे और ख़ुद को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे और मर्दाना कमज़ोरी भी नहीं रहेगी। चाहे आप एक रात में 5 दफ़ा 4 दफ़ा भी अपनी बेगम के पास जाएं। अज्जा लिख लीजिए, आपने लेनी है 50 ग्राम सफ़ेद मूसली इंडिया वाली, 50 ग्राम आपने लेनी है सालब मिस्री, 50 ग्राम आपने लेना है सालब पंजाब, 30 ग्राम आपने लेना है अकरकरा, 30 ग्राम लेना है सतावर, 20 ग्राम आपने लेने हैं बादाम की गिरी, 50 ग्राम आपने लेना है सिंगाड़ों का पाउडर। इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है, और इसको किसी अच्छे डब्बे में एयरटाइट डब्बे में इसको सेव करके रख लें। अब इसका इस्तेमाल जो है वो आप नोट फरमा लें। आपने रात को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने चाय वाला आधा चम्मच नीम गर्म दूध ले लें। पहले पानी के साथ ही इसको आपने खाना है, उसके बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध आपने पीना है। 15 दिन मुसलसल इस्तेमाल करना है। अगर कमज़ोरी ज़्यादा है और नफ्स बिल्कुल भी हरकत नहीं करता तो आपने सुबह नाश्ते में भी नाश्ता करने के बाद भी आपने आधा चम्मच इसी सफूफ का खाना है। इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह की रहमत से जब 15 दिन मुसलसल आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका मादा भी बहुत गाढ़ा हो जाएगा और उसमें हरकत बे इंतहा होगी, और आप ख़ुद देखिएगा कि आपके भाई ने आपको कितना मुजर्रब और कितना आला नुस्खा बताया है। ये तो आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद ही मुझे बताइएगा ये क्या चीज़ थी। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।